हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम। आज मैं आपके लिए जो हमारा एनडीए का एग्जाम होने वाला है और एयरफोर्स एग्जाम के लिए मैथ की टॉप 100 शॉर्ट ट्रिक्स का पार्ट टू लेकर आया हूं, ट्रिक नंबर दो। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी ट्रिक क्या है। तो आज की मैंने ट्रिक ली है प्रोबेबिलिटी से। इसमें देखिए दो पासों का योग संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो उसकी ट्रिक मैंने आपको बनाई है। दो पासों की क्या होती है, देखिए कि दो पासों के योग के लिए अनुकूल घटनाएं कैसे बनती है। अगर योग हमसे पूछा जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए जो अनुकूल घटनाएं बनती है वो योग -1 बनती है। मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक अगर हमसे पूछा जाता है योग, तो उसी में एक कम करके अनुकूल घटनाएं हमें मिल जाती हैं। और अगर हमसे पूछा जा रहा है योग 8, 9, 10, 11, 12 के लिए अनुकूल घटना है, तो 13 माइनस योग करते हैं। जैसे हमको पूछा गया कि योग 9 होने की अनुकूल घटना है, तो 13 माइनस 9 करेंगे तो हमारी अनुकूल घटनाएं कितनी आ जाएंगी, 4। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि हमारा क्वेश्चन है एक कि दो पासों को एक साथ उछालने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। तो देखो जैसा कि हमें याद है कि योग 7 होने की अनुकूल घटनाएं कितनी होती हैं, 1, 2 से लेकर 7 तक योग होने की प्रायिकता होती है योग -1। तो 7 तक हमसे पूछा जाए तो योग -1, तो 7 -1, तो हमारे अनुकूल घटनाएं मिल जाएंगी हमें 6। अब प्रायिकता पी बराबर क्या होता है, यानी अपान यानी एस, तो हमें अनुकूल घटनाएं मिल रही हैं 6। और अगर दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसको टोटल कितने बनते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, 36। क्योंकि 6 का स्क्वायर करना पड़ता है 6/36, तो हमारा आंसर आ 6 से काट देंगे इसको, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। इस प्रकार हम लोग प्रोबेबिलिटी के योग संबंधित क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ये ट्रिक अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो दो पासों के योग के लिए योग 2 से लेकर 7 होने की अनुकूल घटना योग -1 होती है, और योग 8 से लेकर 12 के लिए अनुकूल घटना 13 माइनस योग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।